हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर इन क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे सिंपल ट्रिक टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 10th 11th के ऐसे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद होती है, बट एग्जाम टाइम में वो क्या करते हैं, ट्रिक को ये भूल जाते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है। उस समय वो क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, भूल जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो मैं आपको एक आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप विद इन 5 मिनट्स में ये टेबल को जनरेट कर सकते हैं, यानी रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं पूरी टेबल विद इन 5 मिनट्स में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू नो, इट्स मी सौरभ भटनागर। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल फ्यूचर जोन क्लासेज। लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। ये आपने अपनी बुक में देखी होगी, बट यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है पूरी। बट बुक में आपने ये देखी होगी, पूरी फिल अप देखी होगी, पूरी फिल होगी ये बुक में। यहाँ पे ये पूरी खाली है। अब इसको हमें भरना है विद इन 5 मिनट्स में। इसकी ट्रिक मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कैसे हम इसे फिल कर सकते हैं। तो गाइस, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 0 से असेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर लिखेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 हमने एक नंबर लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। 4 के बाद कोई नंबर आने से, क्योंकि 4 के बाद कोई कॉलम ही नहीं है हमारे पास, तो हमारा मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, 4। अब इस 4 को सबसे सब जितने भी नंबर यहाँ पे हमारे हैं सबको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। करने के बाद गाइस हमारा आएगा 0.4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। यहां तक समझ में आया होगा आपको। पहले हमने क्या करा, 0 से लेके 4 तक सारे नंबर लिखे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर 4 है उससे सबको डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, सबके ऊपर अंडरवुड लगा देंगे। हमने सबके ऊपर अंडरवुड लगा दिया, देखिए 0.4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 के ऊपर सबके ऊपर क्या लगा रखा है, अंडरवुड लगा रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी। देखिए, अंडरवुड 0.4, तो 0 को किसी से डिवाइड करते हैं हम, तो 0 आता है तो 0 हो गया। 1/4 का अंडरवुड, तो 1 का तो 1 ही हो गया, अंडरवुड 4 का 2 हो गया, तो 1/2 बाहर आ गया। 2/4 का अंडरवुड, तो 2 से काटेंगे 4 को, तो 1/2 का अंडरवुड हो गया, तो 1 तो हमारा 1 होता है और अंडरवुड 2 हमारा ऐसे ही जाएगा, तो 1/2 हो गया। 3/4, तो अंडरवुड 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो अंडरवुड 3/2 हो गया ये। 4 से 4 काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो गाइस, सिंपली साइन की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई सारी की सारी। अब जो साइन की वैल्यू हमारी इस टाइप से लिखी है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। यानी साइन की सारी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिख दें तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, कोस की आ जाती है। देखिएगा, साइन की सारी वैल्यू को लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस टाइप से हमने सारी की सारी वैल्यू लिख दी। यानी 1 हमारा, जो 1 है हमारा यहाँ आ गया, √3/2 हमारा यहाँ आ गया, 1/√2 हमारा यहाँ आ गया, और 1/2 हमारा यहाँ आ गया, और 0 हमारा यहाँ आ गया। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो हमारा किसका आ गया, कोस। यानी साइन की वैल्यू से हमारी कोस की वैल्यू सिंपली आ चुकी है, ठीक है। अब हमें निकालना है टेन। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी साइन की वैल्यू को और कोस की वैल्यू को अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारी टेन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यानी जिस भी एंगल में हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, उसी एंगल में साइन की और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारी किसी वैल्यू आ जाएगी, टेन की आ जाएगी। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले निकालनी है हमारे टेन 0 पे, तो टेन 0 पे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कोस की कितनी है, 1, तो 0/1 0 हो गया। ऐसे ही हमने 30 की निकाल ली, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 आ गया। ऐसे 45 पे 1/√2, 1/√2 दोनों 1/√2, 1/√3 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 60 पे √3/2, 1/2 तो 2 से 2 करके तो √3 आ गया। ऐसे 90 पे 1/0, तो 0 को किसी भी डिजिट को, किसी भी रियल नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, यानी नॉट डिफाइंड आता है, तो नॉट डिफाइंड हो गया। यानी साइन कोस टेन की वैल्यू हमारी आ चुकी है। जैसा जैसे साइन और कोस में था, यानी साइन की सारी की वैल्यू को हमने रिवर्स में लिख दिया था, तो हमारा क्या आया था, कोस आया था। ऐसे टेन की सारी वैल्यू को अगर हम क्या लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे,
तो हमारा क्या हो जाएगा, कोट आ जाएगा गाइस। चलिए लिख देते हैं, देखिए हमने लिख दिया 10 की सारी वैल्यू हमने रिवर्स करके लिख दी, तो हमारी कोट की वैल्यू आ गई, यानी ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया गाइस। सिंपली हमारा सारी की सारी वैल्यू कोट की आ चुकी है। तो गाइस साइन कोस टेन और कोट की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है इसमें। अभी हमें यह करना है सेक और कोसेक की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, साइन की वैल्यू को यानी अगर वन को साइन की वैल्यू से डिवाइड कर दें यानी वन अपॉन साइन कर दें तो हमारा आता है कोसेक आ जाता है। यानी सारी की सारी वैल्यू जितनी भी साइन की हैं वन अपॉन साइन कर दें उसको तो क्या हो जाएगा, कोसेक। यानी यहाँ जीरो की जगह लिख देंगे, जीरो जहाँ है तो यहाँ वन अपॉन जीरो हो जाएगा, वन अपॉन टू है तो उसका हो जाएगा वन अपॉन टू। यानी आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि सारी की सारी वैल्यू को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी कोस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेक की वैल्यू निकाली है। सेक की वैल्यू क्या करेंगे, कोस की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, यानी वन का रिवर्स करेंगे, वन अपॉन वन तो यानी वन हो गया, अंडर रूट थ्री अपॉन टू तो इसको ले लेंगे टू अपॉन रूट थ्री तो ये हो गया टू अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट का उल्टा करेंगे तो रूट तो टू हो जाएगा क्योंकि वन की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, वन अपॉन टू है तो यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो टू हो जाएगा और जीरो है तो वन अपॉन जीरो करेंगे तो वही रियल नंबर को इसे डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है तो नॉट डिफाइंड हो गया। यानी कॉस से हमने किसकी वैल्यू निकालनी, सेक की। अब इस सेक की वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या इसकी वैल्यू को रिवर्स करके लिख दीजिए, किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक की आ जाएगी। चलिए लिख दीजिए, हमें जीरो है तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, वन अपॉन टू है तो टू अपॉन वन तो टू हो गया, वन अपॉन रूट टू है तो रूट टू हो गया, रूट थ्री अपॉन टू है तो टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, यहाँ वन है तो वन का वन ही हो जाएगा, या फिर आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तब भी यही आ जाएगा। तो गाइस ये ट्रिक है सिंपली जिससे हमने क्या करा, साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड करी है और इससे कोट सेक कोसेक की वैल्यू हमने निकाली है। तो गाइस सिंपली एक बार मैं रिमाइंडर करवाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ क्लास में के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।